मध्य प्रदेश की दमोह जिला अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डिलीवरी के लिए आई 20 दिनों के भीतर चार महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और यह मामला अब जमकर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीन प्रस्तुति अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। समस्त प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर का नंबर वन प्ले स्कूल, तो पता याद रखें, भागोदय अस्पताल के पास खुरई रोड सागर। जानकारी कहती है कि दमोह के बकायन गांव से सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया, जो जबलपुर हाई कोर्ट में पदस्थ थी, वह नॉर्मल डिलीवरी के लिए दमोह जिला अस्पताल आई थी, जहां डॉक्टरों ने परिवार के लोगों से कहा कि सीजर होगा। इसके बाद लक्ष्मी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला दमोह के पटेरा नया गांव से हर्षना कोरी डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी, जहां उसने बेटी को जन्म दिया और कुछ घंटों के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे आईसीयू में रखा गया, लेकिन सुबह होते होते उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं तीसरी महिला दमोह जिले के हिंडोरिया गांव से निशा परवीन ने सीजर से बेटे को जन्म दिया। परिवार में लोगों में खुशी थी, वह अस्पताल परिसर में मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशियां थोड़ी ही देर की हैं। वहीं डॉक्टरों ने परिवार के लोगों को बताया कि निशा को यूरिन पास नहीं हो रही है, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई है, जिसे आनंद फानंद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज डायलिसिस के लिए दिया गया। वह जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही, लेकिन उसने भी 18 दिनों के बाद अपना दम तोड़ दिया। वहीं चौथी महिला दमोह के हटा से हुमा खान जिला अस्पताल में भर्ती हुई, जहां ऑपरेशन के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन सीजर के बाद डॉक्टरों ने उसे भी यूरिन पास ना होने की वजह से दमोह से जबलपुर मेडिकल रेफर कर दिया, जहां उसने भी 20 दिनों के संघर्ष के बाद अपना दम तोड़ दिया। मेरा नाम इकबाल खान है और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, एक पति नईम खान, जिसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही, आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो ऐसे जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं, उसके बच्चे जिंदा हैं, उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए, और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं, इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के, उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। बिगड़ गई थी, फिर वहाँ पर जबलपुर में जा करके जो है लगातार वहाँ की अस्पताल में जो है उनका इलाज किया गया, और वहाँ पर उनके करीब 7 जो है डायलिसिस भी किए गए, लेकिन उसका पेशा माना जो है शुरू नहीं हुआ। और अंततः जो है 21 तारीख को 4:15 के आसपास हमारी बहू ने जो है जबलपुर हॉस्पिटल में ही जो है अपने दम तोड़ दिया। कितने लोगों की अभी तक उस डॉक्टर के ऑपरेशन से मौतें हुई हैं अभी तक? और उस दिन हम खुद भी अस्पताल में मौजूद थे, दमोह जिला चिकित्सालय में। उस वक्त 3 महिलाओं की लगभग वहाँ मौत हुई और 2 शिशु भी, एक शिशु को उन्होंने लापरवाही पूर्वक प्रसव कराते हुए ख़त्म कर दिया था। वहाँ ऐसी चर्चा लोगों के बीच में आम थी, लेकिन सर जिला अस्पताल में प्रसव कराने आई 5 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी 5 नहीं 4 महिलाओं की लगभग 15 दिनों में मृत्यु हुई है। ऑपरेशन ये एक्चुअली जो हमारे एनएससीएस कराने के लिए आए थे, सारे के सारे इमरजेंसी ऑपरेशन थे, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से हमारे यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आए थे, सारे के सारे इमरजेंसी सीजर हमारे 4 विभिन्न डॉक्टर्स के द्वारा किए गए। तो उस दिन 2 दिनों में मिलाकर लगभग
टोटल 15 ऑपरेशन हुए, जिनमें से 2 महिलाओं की मृत्यु कुछ घंटों बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो गई थी। उनके लिए सांस लेने में कुछ समस्या हुई, उसके बाद में हमने उन्हें मैनेज करने की कोशिश की, फिर ICU में जो हमारा ICU वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और 2 और महिलाओं के लिए उनमें किडनी में समस्या हुई थी, उसके लिए यहाँ पर इलाज किया गया। इलाज के बाद जब गंभीर स्थिति थी तो फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज जाकर रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर पूरी टीम ने उनका इलाज किया, गायनेकोलॉजी के बाद फिर उन्हें मेडिसिन हाउस में ट्रांसफ़र किया गया। वो वहाँ की प्रणाली काफ़ी दिन रही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब हमारे भगवान के हाथ में होती है, बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बनाया बचा नहीं जा सका। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए, जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को फोकस नोटिस जारी किए, और ये बहुत गंभीर मामला है, और जैसे ही फोकस नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। समय सीमा निर्धारित की है, हाँ यस, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है, और अचानक किस तरह से होना, ये अनयूजुअल टाइप की बात है। और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का, कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियाँ नहीं रही, लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं, तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नजर रखे रहें, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे, जो भी आगे कार्रवाई होगा। फिलहाल जिला अस्पताल में लगातार 4 मौतों के बाद अस्पताल अब सवालों के घेरे में जरूर आ गया है। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह।